हमारे आलू पेटिस का फाइनल लुक देखे कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल आलू पेटिस, जिसके लिए मैंने एक बॉल हमने मैदा ले लिया है, एक बॉल हमने आटा ले लिया। अब चलिए आटा को हम लगा लेंगे। एक मैंने बड़ा सा बॉल ले लिया, इसमें हम आटे को लगा लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आधी टीस्पून नमक डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन को हाथों की मदद से क्रश करके इस तरीक़े से डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आटे को हम अच्छी तरीक़े से तेल में अच्छी तरीक़े से मिला लेंगे। देखिए इस तरीक़े से हमने आटे को मिला लिया है। देखिए इस तरीक़े से आटे में बाइंडिंग आ जाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे करके आटे को एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीक़े से हमने आटे को हमने मीडियम आटा गोल के रख लिया। अब आटे को हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छी तरीक़े से बिल्कुल हम मैश कर लेंगे, एकदम स्मूथ हमने बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे। पाउडर मसाले में हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, सबको इसमें हम डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। इसमें हमने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरीक़े से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीक़े से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारा रेडी है। अब इसमें और बेहतर टेस्ट के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम 1 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरीक़े से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के हमने कुटा हुआ हरा मिर्च ले लिया, फिर डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम तेल में भून लेंगे। सारी चीज़ों को हमने तेल में भून लिया है। अब इसमें इसको इसमें हम आलू का स्टफिंग डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। आलू की स्टफिंग बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। अब चलें हम अगले प्रोसेस की तरफ। देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट आटा गून के रेडी है। अब चलें हम बनाने की प्रोसेस की तरफ। मीडियम आटा लेंगे, इसी इस तरीके से हम पेड़ा बना लेंगे। इसमें हम सूखा आटा लगा के इसका हम एक मीडियम रोटी बेल लेंगे। देखिए इस टाइप का हमने रोटी बेल लिया है। अब इसकी हम इसको हम चाकू की मदद से किनारी काट के निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब एक हम
आलू ही लेंगे। अब हम आलू लेंगे, आलू को इस तरीक़े से रख लेंगे। हल्का हल्का हम किनारी पे पानी लगा देंगे ताकि हमारा अच्छी से चिपक जाए। इस तरीक़े से हम चिपका देंगे। सेप देने के लिए एक कांटा चम्मच लेंगे, इसे इस तरीक़े से हम डिज़ाइन बना लेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए सारे को हम इसी तरीक़े से बना बना के पहले रख लेंगे। इसी तरीक़े से हम सारे पेटीज़ को बना के रेडी कर लेंगे। इसके किनारी पर पानी लगा लेंगे ताकि आसानी से चिपक जाए। इस तरीक़े से हमने सारे पेटीज़ को बना के रख लिया। अब इसे चले तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल हमारा अच्छी तरीक़े से गर्म हो चुका है। इसे एक एक कर करके हम गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, इसे उलट पलट के हम अच्छी तरीक़े से सेक लेंगे। देखिए हमारा अच्छी तरीक़े से फ्राई हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है, एकदम गोल्डन। अब इसको हम निकाल लेंगे। एक एक करके सारे पेटीज को इसी तरह हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये है हमारे आलू पेटीज का फाइनल लुक। देखिए कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। इसे हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया। देखिए एक बार इसे आप ज़रूर बनाएं इफ्तार में। अगर मेरी रेसिपी आलू पेटीज आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सबा मिराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। So thank you for watching my video.